ऐसे एक, ठीक है, थ्री फिंगर्स आपकी अप की तरफ होंगी डायरेक्शन और वन फिंगर स्ट्रेट सामने की तरफ डायरेक्शन। सेकेंड हैंड से आपको करना है, सेकेंड जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट से टच करते हुए और फिर ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे, वन एंड टू, देन आपको एक बीट का थाप देना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट पे आपको सेकेंड एट पे डाउन कर देना सर्कल और अपना पूरा डायरेक्शन आपको लेफ्ट साइड में कर लेना है। ओके आइए, आपका लास्ट मिशन ये था डाउन, अब दोनों हाथों को ऐसे किक करते हुए और राइट साइड लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे। देन आपको अभी क्या करना है, नेक्स्ट राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाना है और दोनों हैंड्स को ऐसे सामने से लिफ्ट करते हुए ऊपर ले जाना है। रेडी स्टार्ट, राइट लेग पीछे और हाँ हेड आपका ऊपर की तरफ होगा, सारा बैलेंस आपका लेफ्ट और राइट दोनों पे ही बराबर बैलेंस है। वन एंड टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन टू थ्री एंड फोर, देन आएगा आपका फाइव सिक्स एंड रोल सेवन एट। ओके नेक्स्ट आएगा वन टू थ्री फोर, राइट साइड में दोनों हाथ खोलिए, फाइव सिक्स थोड़ी देर पोज रखेंगे। ओके और दोनों हाथों को ऐसे घुमा के ऊपर से सेवन और डाउन की एक साथ करेंगे, रेडी फाइव सिक्स स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू। ओके थ्री में आपको क्या करना है, बाहर की तरफ पैर निकालना है, वन एंड टू वापस, थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स सेवन एंड एट, थोड़ा थोड़ा पॉज देके करना है, रेडी फाइव सिक्स स्टार्ट, वन एंड टू थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स सेवन एंड एट। ओके एट टाइम्स तक आपको ये करना है, देन राइट हैंड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड निकालेंगे वन और राइट हैंड से करेंगे वापस, वन बैक टू फ्रंट थ्री बैक फोर। ओके दोनों हैंड्स को राइट साइड में आपको राइट साइड में एल्बो से मोड़ते हुए दोनों साइड में और आपको हल्का सा पुश करना है, वन टू और एक रोल करके वापस अपने प्लेस पे आना, गॉट इट। चलिए वन एंड टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन एंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्टॉप स्टॉप सेवन एट, वन एंड टू थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स सेवन एंड एट, वन एंड टू थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स सेवन एंड एट, गॉट इट। हमने यहां तक पूरा सीख, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी गुप्ता है। वैष्णवी क्या सीख रहे थे आप? मैं यहाँ पे डांस सीख रही हूँ, मैंने यहाँ पे वन मंथ का समर कैंप ज्वाइन किया था जिसमें मुझे बॉलीवुड हिप हॉप फ्री स्टाइल बहुत कुछ सीखने को मिला, नई स्टाइल सीखने को मिले, नई डांस स्टेप सीखने को मिले। तो मतलब ये शौकिया सीखते हैं कि आप आगे कुछ करना चाहते हैं डांस? मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ डांस में। हाँ चलिए, आपका डांस सीखते हैं कितने दिनों से सीख रहे हैं? सर आई थिंक वन मंथ। ये समर कैंप था? Yes, पहली बार समर कैंप में आया। Yes, कौन सिखा रहा था? सर गोपाल सर। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉयमेंट आ रहा है और बाकी बच्चों के साथ भी और अच्छा लग रहा है, सीखने में मज़ा आ रहा है। अच्छा कौन कौन सा डांस फॉर्म सीखा? सर यहाँ पे तो मैंने भी तो फ्री स्टाइल सीखा है और तीज बोली थोड़ा फ्री स्टाइल सीखी हूँ और हिप हॉप सीखी। अच्छा तो मतलब डांस एक शौक है या आगे चल के पैशन है? सर जानवी वर्मा। क्या सीखते हैं? सर अभी तो मैं यहाँ पे कथक के लिए ज्वाइन की हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला समर कैंप लगा है जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल मतलब शहरों में तो बहुत ट्रेंडिंग में है लेकिन गांव में हमें ऐसा है कि और अवेयरनेस फैलाना चाहिए, मतलब कि यहाँ के पेरेंट्स को लगता है कि डांस बस ऐसे ही है तुम शादी में करो घर में रहो, लेकिन नहीं डांस है एक ऐसा एक आर्ट है जो कि हमें और एक्सपेंड करना चाहिए। तो सिर्फ सर गोपाल सर है जिससे तो डांस स्टूडियो के हेड, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ऐसे समर कैंप लगा रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हाँ मतलब कि जो डांस है वो सिर्फ घर तक
में लिमिट नहीं है, उसको हर जगह तुम एक्सपेंड कर सकते हो, उसको एक अपना पैशन बना सकते हो। जैसे कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, एक हमारा बिजनेस है या फिर जो भी हमारा वर्क है, वैसे डांस डांस को लेकर रियलिटी शोज भी आ रहे हैं, डांस है। और हमें ऐसा नहीं कि हमें मतलब सर ने हमें बताया कि अगले साल से या फिर आने वाले ईयर्स में हमें और भी ऑप्शन देंगे एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, और हमें और भी सारी चीज़ें के लिए ऑप्शन देंगे और हमें वो सिखाएंगे। और मैं चाहूँगी कि मेरे जैसे या फिर हमारे जैसे और भी बच्चे होंगे जिनको भी डांस करने का मन होगा लेकिन वो अपने पेरेंट्स के दबाव में नहीं कर पाते होंगे या सोसाइटी के, और पेरेंट्स से भी यही निवेदन है कि वो अपने बच्चों को ऐसा मौका दे दें, क्योंकि सर है जैसे उनका स्टेप डांस स्टूडियो तो है जो कि रेगुलर बेसिस पर चलता है, लेकिन सर ऐसा करते हैं कि हमें एक महीने के लिए, मतलब जो बच्चे रेगुलर नहीं आ सकते वो कम से कम एक महीने के लिए अपने पैशन को कुछ अपनी अपॉर्चुनिटी तो दे सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे आके ज्वाइन करें और ये जो है ये कैंप और अवेयर हो सबके बारे में। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी डांस सीख रहे थे समर कैंप में, कौन सिखा रहा था? भोपाल सर। कौन कौन सा फॉर्म सीखा? सर कथक है, हिप हॉप है, बॉलीवुड है, बेली डांस है, फ्री स्टाइल है। अच्छा, आप पता चला है कि आप पेशे से चिकित्सक होने वाले हैं, तो डांस क्या है, पैशन क्या, क्यों डांस क्यों? सर डांस पैशन भी है सर, सर अच्छा लगता है। अच्छा, तो यहाँ पे इस पूरे एक मंथ को आपने एंजॉय किया, क्या कुछ सीख के जा रही हैं, क्या कुछ नहीं पता था और अब सीख के जा रहे हैं? डिफरेंट स्टाइल्स, बहुत सारे नए नए स्टाइल्स सीखने को मिले यहाँ पे, जैसे बेली हुआ और हिप हॉप, ये नए नए स्टाइल्स और कोरियोग्राफी और फ्री स्टाइल साइफर, वो सारी चीज़ें। अच्छा, मऊ जैसी छोटी जगह से में ये कार्यक्रम हो रहा है तो किस तरह से देखते हैं आप? सर अच्छा है, बहुत अच्छा है सर, मतलब जो भी नए बच्चे हैं उनको ये मतलब प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परी। परी, परी डांस सीखती हैं? कहाँ? अच्छा, कैसा लगा, कितने दिन सीखा आपने? मैं आपका काव्या। अच्छा, काव्या डांस सीखती हैं, कौन सिखाता है आपको? तो तेज बोलिए। अच्छा, कौन कौन सा डांस सीखा आपने? बेली, हिप हॉप। अच्छा, कथक। तो कैसा लगा इस डांस क्लास में? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। कौन सी जगह डांस क्लास है और कौन सिखाता है आपको? स्टेप स्टूडियो डांस क्लास है और गोपाल से सिखाते हैं। क्या क्या फॉर्म सीखा? बैले सिखाते हैं, कथक सिखाते हैं, हिप हॉप सिखाते हैं और फ्री स्टाइल सिखाते हैं। तो एक महीने में क्या कुछ अलग दिखा आपको, सीखने को मिला? हाँ, एक महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे, डिफरेंट स्टाइल्स सीखने को मिले हैं, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं ये सीखने को मिला। आज समर कैंप का लास्ट दिन है, तो क्या कुछ सिखाया और कितने बच्चे थे, क्या कुछ जर्नी रही इस 30 दिनों की? सबसे पहले तो नमस्कार सबसे तेज न्यूज़ को, सभी दर्शकों को। और एक महीने का हमने कैंप लगाया था जो कि डेली रूटीन से हट के कुछ नया बच्चे सीख पाए, और जिसमें मैंने बाहर से टीचर्स भी बुलाए थे, जैसे गाजीपुर से राजेश मेहता आए थे और डॉक्टर सैनी आए थे, तो इन लोगों ने अलग अलग वैरायटी के स्टाइल से जैसे हिप हॉप और हिप हॉप फ्री स्टाइल कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे करते हैं, बाकी पहली बॉलीवुड कथक, तो बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स थे जो बच्चों ने सीखा और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा। मेरी एक्सपेक्टेशन से इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे आए थे, यानी अवेयरनेस और बढ़ गई, यानी हमारी क्लास की एंट्री बिल्कुल फुल थी जो कि बच्चे बहुत इंजॉय किए, इन्होंने इनका जो फीडबैक मिला मुझे मैं बहुत खुश रहा। और चूँकि हमारा आज लास्ट डे है, पूरा कैंप हमारा समाप्त हो रहा है और हमारा प्रोग्राम भी होने वाला है, जो बच्चे ने सीखा है वो ऑन स्टेज परफॉर्म भी करने वाले हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बात साथ साथ बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है, और मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म और भी देते रहूँ और भी स्टाइल सिखाते रहूँ। और डांस को लेकर जितनी भी लोगों में यह शंकाएं हैं कि मऊ जैसे शहर में नहीं मिल सकती है, मैं कहूँगा कि आप आइए, आपको मऊ जैसे शहर में आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो आप बड़े शहर नहीं। कुछ छात्राओं ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में आप एक्टिंग क्लासेस और भी चीज़ कर देने वाले हैं, तो क्या कुछ उसका प्लान है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा हमारे सेक्टर से रिलेटेड है एक्टिंग क्लासेस भी, तो हम चाहेंगे कि आप हमारा जो नेक्स्ट कैंप हो उसमें एक्टिंग से लेके और भी सारी क्राफ्टिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें भी अगर अवेलेबल हो पाए तो मैं ज़रूर इन बच्चों को सिखाऊंगा, ताकि ये अपने पूरे समर कैंप का अच्छे से यूज़ कर सकें।
और जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? अब जनता से हम यही कहेंगे कि आप डांस एक हुनर है, उसे छुपाइए नहीं। अगर आपके बच्चे में डांस का हुनर है तो उसे सामने ले आइए, वो कुछ कर सकता है और अपना एक अलग पहचान बना सकता है।